आप सभी ने रामायण देखी है, वो रामायण के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन क्या एक चीज पता है आपको रामायण की? वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के तीन रानियां थी, उनमें से सबसे चर्चित रानी थी केकई। क्यों? क्योंकि उसने 14 साल का वनवास मांगा था भगवान श्री राम के लिए। लेकिन आपके दिमाग में कभी एक क्वेश्चन आया कि रानी केकई ने 14 साल का वनवास ही क्यों मांगा? उसने 11, 12, 13 या 15 साल का वनवास क्यों नहीं मांगा? सिर्फ 14 साल का वनवास ही क्यों मांगा? इसका आंसर आप जानते हो? एनीवन कैन गिव आंसर? कभी आपने सोचा है कि 14 साल का वनवास ही रानी केकई ने क्यों मांगा भगवान श्री राम के लिए? तो मैं आपको बता दूं, उस समय के अलग अलग काल में अलग अलग नियम चलते थे। उस वक्त त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में नियम था कि अगर कोई भी राजकुमार 14 साल के लिए अगर वनवास चला जाता है और वो 14 साल के बाद वो वापिस आता है तो वह अपनी राजगति पर नहीं बैठ पाता है, वह हमेशा उसको राजपाट त्याग करना पड़ता। और रानी केकई बहुत चतुर रानी थी उस समय की, उसे पता था अगर मैं 14 साल का वनवास राम के लिए मांगती हूँ और राम जब वापिस आएंगे तो वापिस वो राजगद्दी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो रानी केकई ने 14 साल का वनवास मांगा, देखिए, लेकिन भरत ने वो राज स्वीकार नहीं किया। भरत ने उस राजगद्दी पर कभी बैठा ही नहीं। इसलिए जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट कर वापिस आते हैं तो अयोध्या के राजा बनते हैं। अगर उस वक्त भरत उस राज गद्दी पर बैठ जाते ना, तो भगवान श्री राम फिर कभी भी उस अयोध्या की राज गद्दी पर नहीं बैठ पाते। तो इसी कारण से रानी केकई ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो आप सबको यह आंसर पता चल गया होगा कि आखिर रानी केकई ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा। और आपको एक बात और बता दूं, आपको जब श्री कृष्ण का काल आया, द्वापर युग आया, तब क्या नियम था पता है आपको? तब 14 वर्ष से कम 13 वर्ष का नियम था। 13 साल तक अगर कोई वनवास में रहता है तो फिर वह राजकुमार उस राजगद्दी पर नहीं बैठता है। और आपको पता है कौरवों ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगा जब वो जुए में हार गए, तो पता है आपको? अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों? क्योंकि उन कौरवों को पता था कि अगर ये पांडव 12 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास मांगेंगे और अगर हम इनका अज्ञातवास तोड़ देंगे ना, तो वह जीवन भर कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। और कौरव जानते थे कि अगर पांडव वापिस आएंगे तो हमारी राजगद्दी मांगेंगे, हमसे बंटवारा मांगेंगे। तो फिर यही मुद्दा छिड़ा, कौरव बार बार कहते थे कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इसी कारण से हुआ ना। कौरव बार बार कहते थे कि हमने पांडवों का अज्ञातवास तोड़ दिया, इसीलिए वह राजगद्दी के काबिल नहीं है, इसलिए वह राजा नहीं बन सकते। लेकिन समय की गणना और बड़े बड़े विद्वान लोग कहते थे कि अज्ञातवास कौरवों ने नहीं तोड़ा, पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया। तो त्रेता युग में अलग नियम चलता था और द्वापर युग में अलग नियम चलता था। त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास चलता था और द्वापर युग में 13 वर्ष का वनवास चलता था। तो इसी कारण से रामायण में रानी केकई ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसलिए अगर वो चाहती थी तो 11, 12, 13, 15, 16, 17 वर्ष का भी मांग सकती थी, लेकिन नहीं, वो चतुर रानी थी, उसने सिर्फ भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।